हमारे नेता हैं वो किस बात को लेकर के इस तरह की बात की है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का सवाल है, जो हम विधायक बचे हुए हैं, दोनों विधायक में जो पृष्ठभूमि है वो तो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए उनके आने के बाद हमने बात करें और इस तरह की बातें अगर हुई है तो नहीं। कई बार उन्होंने कहा कि पिछले बार भी कहा बैठक में कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, अब मुझे मुझे पूछा नहीं जा रहा है, तो इस टाइप देखिए पार्टी बने हुए मात्र दो तीन साल हुए हैं और इस पार्टी में हम लोग उस समय चुनाव हुआ उस समय आए, विशेष रूप से उनके बारे में बता नहीं पाऊंगा, मैं इतना ही कह पाऊंगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग उस पार्टी में अभी तक बने हुए हैं, इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद ही मंत्री जी नहीं है शायद चुनाव में यूपी में व्यस्त है नहीं आ पाए हैं, मंत्री जी के बदले दूसरे लोग जवाब दे रहे थे लेकिन सटीक जवाब तो मंत्री जी दे पाए, तो अपने ही सरकार के मंत्री पर सवाल खड़े करना आप उसको कितना सही मानेंगे? नहीं, किसी सरकार अपनी हो या पराई हो, जन सरोकार की जो बातें होगी उसको तो लेकर के सदन में आना ही पड़ता है, मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ जो सरकार के खिलाफ होता है, इसमें कहीं से विधायकों को अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोले। अच्छा, मुकेश सहनी जी ने वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की, बड़ा विज्ञापन दिया, उसको किस तरह से देखते हैं? ये तो आप लोग के माध्यम से हमको भी सुनने में मिला और देखने को मिला, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि गठबंधन में साथ रहकर गठबंधन के खिलाफ नहीं सकता।